नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ डेली में आप सभी का स्वागत है। हिसार में दिल दहला देने वाला हादसा, ट्रेन के इंजन से कटे प्रवासी मजदूरों के 3 बच्चे। हरियाणा के हिसार में दिल दहला देने वाला एक हादसा सामने आया है। परिवार के सामने 3 मासूम ट्रेन के इंजन की चपेट में आ गए। 3ों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रवासी 2 परिवारों के बच्चों की मौत से हाहाकार मच गया। मौके पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। हिसार के सत्यनगर गली नंबर 1 के पास रेलवे ट्रैक है। ट्रैक के पास ही लगते क्षेत्र में बिहार के मजदूर परिवार रहते हैं। 3 बच्चे 4 वर्ष गोलू, 7 वर्ष अजीत और 10 वर्ष और रवि खेलते हुए ट्रैक पर चले गए। तभी ट्रेन का इंजन वहां से गुजर रहा था और 3ों उसकी चपेट में आ गए। हादसा देख लोग भाग खड़े हुए। जब तक लोग पहुंचे 3ों की मौत हो चुकी थी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस ने बताया कि गोलू और अजीत के पिता मनोज पिछले 6 साल से हिसार में रह रहे हैं। मनोज बिहार के माधवपुर जिले के पुरानी गाँव में रहने वाले हैं, जबकि रवि के पिता सुनील माधवपुर जिला के खुरान गाँव के रहने वाले हैं। मनोज की 2 बेटियाँ हैं और 2 बेटे थे। 2 बेटे हादसे का शिकार हो गए। उसकी पत्नी बच्चों की मौत की खबर सुनते ही बेहोश हो गई। लोगों ने बताया कि ट्रेन का इंजन हर रोज इसी समय ट्रैक से गुजरता है। बच्चे खेलते खेलते ट्रैक पर चले और इंजन की तरफ ध्यान नहीं दिया, इससे हादसा हो गया। दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर निकल के आती है। एक तरफ ये महामारी, दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों का निकलता हुआ दुख। रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई प्रवासी मजदूर किसी न किसी दुख का शिकार होता जा रहा है। ये देश में कहाँ से कहाँ तक प्रवासी मजदूरों को कठिनाई हो रही है, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हमारी रिपोर्ट्स के लिए हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।